कार्यक्रम को शुरू करें, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और उस रिपोर्ट के जरिए आप थोड़ा सा विधानसभा को समझ लीजिए। शेख फरीद जहांगीर खजांची की नगरी फरीदाबाद 400 साल की अपनी विकास यात्रा में औद्योगिक हब का मेडल हासिल कर चुकी है। हरियाणा के टैक्स कलेक्शन में साइबर सिटी के बाद दूसरा बड़ा योगदान हो या अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, फरीदाबाद की अपनी अनूठी पहचान है। मेहंदी उत्पादन हो या फिर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रियों की भरमार है। 90 विधानसभा सीटों में से एक हाई प्रोफाइल सीट, जहां पर सामान्य जाति के मतदाता ही अक्सर सियासत के निर्माता रहे और ज्यादातर सामान्य जाति के प्रत्याशियों ने ही चुनाव में बाजी मारी। 2009 में कांग्रेस के आनंद कौशिक की जीत हो या फिर 2014 और 2019 में फरीदाबाद से कमल खिलना। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में रोजगार के अवसरों की भरमार है। सड़क हो या रेल, शहर की कनेक्टिविटी चारों तरफ है, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। बिजली का पावर कट हो या पेयजल का संकट, फरीदाबाद की आम समस्या है। गर्मी के दिनों में तो कई बार जल संकट को लेकर अधिकारियों के दफ्तर के बाहर लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। सड़कों पर चौड़े चौड़े गड्ढे आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल तो हैं, लेकिन कई विभागों में आज भी डॉक्टर नहीं। लोग निजी अस्पतालों में पैसे खर्च करके इलाज कराने को मजबूर है। फरीदाबाद विधानसभा की जनता विकास के नाम पर वोट देगी या सियासी हवा मतदाताओं के रुख को मोड़ देगी? इस बार फरीदाबाद हल्के की जनता के मन में क्या है, हरियाणा न्यूज अपनी इस चुनाव यात्रा में आपको दिखाने जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हम सेक्टर 19 में खड़े हैं। सेक्टर 19 का ये मेन मार्केट है, यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और उनसे तमाम समस्याओं को पूछा जाएगा और साथ ही साथ ये बात करेंगे उनसे कि इस बार चुनावों को लेकर क्या कुछ तस्वीर वो देखते हैं, ग्राउंड जीरो में कौन एक्टिव है और किसको इस बार फरीदाबाद के लोग विधानसभा पहुँचाने का काम करेंगे। वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ समीकरण इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर बन रहे हैं। बहुत से दल हैं, बहुत सी पार्टियों के नेता हैं, टिकट किसको मिलती है और कौन रेस में आगे निकल के जाता है, पिछले 5 साल में क्या कुछ काम हुए हैं। चलते हैं, करते हैं लोगों से बात और फिर बताते हैं आपको। फरीदाबाद विधानसभा से ही हैं आप, क्या लगता है विधानसभा का चुनाव है अक्टूबर में, कौन जीतना चाहिए? जीतने का तो मत पूछो मैडम, ऐसा मत करो कि बुराइयां दिलवाओ। तो कौन हारना चाहिए? नहीं ये नहीं, देखो कहने वाली बात पूछो तो जवाब देंगे। ओपनली नहीं बता सकते? नहीं 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 बता सकते। वोट की चोट मारेंगे सीधा? हाँ, लेकिन कैमरे पे नहीं बताएंगे? नहीं, क्यों बताएं? साल में काम वाम हुआ? हम किसी भी मेंबर से बुराई तो नहीं ले सकते ना, बताओ। हमारे दिल में है, जिसको देना है देना है। हमने 5 साल में क्या कुछ काम हुए फरीदाबाद की समस्याओं को कुछ दूर कर पाए हैं आपके नेता जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक की है। ये देखो शौचालय इतना बढ़िया बना रखा, 40 लाख का मोदी ने, इतना बढ़िया काम है। बढ़िया काम हो रहा है? इतना बढ़िया काम है, बंदा नर्क में जा सकता है, इसमें नहीं जा सकता। कोई सुनवाई नहीं है इधर, इनकी वो गंदगी देखो, पार्षदों की क्या क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। शौचालय देखो कितना गंदा पड़ा है। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं इस बार फरीदाबाद के लोगों के? यहाँ पे सफाई नहीं है, हमारे वहाँ पे राजा गार्डन पीछे है, इतना गंदगी वाला पानी आता है, सीवर का पानी, नहाने में भी दिक्कत होती है। और शिकायत कराते हैं कुछ, स्मार्ट सिटी है फरीदाबाद? कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है कोई स्मार्ट। परेशान है आप लोग? परेशान है बहुत। क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए कम से कम, आदमी जो नहाने के लिए मेन पानी होता है वो तो होना चाहिए, वो भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पीने के पानी भी सप्लाई में साफ नहीं आ रहा है? नहीं आता, साफ नहीं आता, ध्यान नहीं देती है, बदबू आती है पानी में, ध्यान नहीं देते हैं, कह रहे पानी भी गंदा आता है, सीवर की स्मेल आती है पानी से और वो समस्या लगातार बनी हुई है। फरीदाबाद विधानसभा के लोगों की क्या परेशानी है? परेशानी ये है, गंदगी बहुत सारी है, पानी है नहीं, पानी ढंग से आता नहीं है, गंदा पानी आता है, सुनते नहीं है, कम्प्लेक्स भी नहीं सुनता, गवर्नमेंट भी नहीं सुनती। फिर से वो टाइम आ गया है जब नेता वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे आपके बीच? वोट नहीं देंगे किसी को भी, नहीं देंगे, नहीं। क्या कहेंगे? कहेंगे वोट देते नहीं हम। अच्छा, यही कहेंगे और क्या कह सकते हैं? हाँ। भैया काम हो नहीं रहा, किसी ढंग से काम नहीं है, पैदा क्या हुआ? आप कह रहे हैं गंदगी बहुत ज्यादा है, आपने शिकायत की क्या इसको लेके? बहुत की, चंडीगढ़ से स्टाफ भी आया, वो लिखा पढ़ी करके गया, हमारे फोटो भी लेके लिख के या सबसे कुछ कुछ भी नहीं हुआ, एक्शन कोई नहीं, कोई नहीं हुआ एक्शन जी। क्या लगता है विधायक 5 साल में काम कुछ करवा पाए हैं? विधायक से हमने क्या लेना देना, जब काम करने वाला कोई करेगा तो हम करें, पूछेंगे उसे कैसे काम होगा। तो इस बार आप कह रहे हैं वोट डालेंगे नहीं, चाहे कुछ भी बोलते वोट नहीं देंगे, हमारे एरिया में कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, तो कह रहे हैं बहुत परेशानी है, क्या लगता है परेशानियाँ ज्यादा है या फिर
काम कुछ हुए हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में? फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में तो बिल्कुल काम नहीं हुए हैं, ना तो रोड के प्रति, ना पानी के प्रति, ना सीवर के प्रति, कहीं से भी। सीवर सारे जाम रहते हैं, रोड पे इतना जाम रहता है, गाड़ियां की ओवर पार्किंग, बिना उसकी लाइसेंस की दुकानें चल रही हैं, जिसकी वजह से रोड पे। आपको क्या कारण है कि काम नहीं हुआ है फरीदाबाद में? एमएलए साहब का तो इस तरफ बिल्कुल ध्यान है ही नहीं, कम से कम ओल्ड फरीदाबाद की तरफ तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। एमएलए साहब मेरे को नहीं लगता कि किसी काम के लिए यहाँ आए हों। अच्छा। ओल्ड फरीदाबाद में जीतने के बाद आए कभी? काम के लिए तो नहीं आए, किसी काम के प्रति के भी बाजार में कोई काम हुआ हो, किसी पे कोई ध्यान दिया हो कि यह पार्किंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, रोज़ झगड़े होते हैं, सीवरेज की बहुत ज़्यादा है, पानी की समस्या बीच में इतनी ज़्यादा रही है। ये आप टॉयलेट देख लीजिए, ये बनवाया है, एक दिन ये यूज़ नहीं हुआ, अब यहाँ स्मेल इतनी आती है, सारे दुकानदार बहुत परेशान हैं इसकी स्मेल से, ना तो किसी को रोक सकते हैं, सारे लोग यहाँ आसपास के बाहर करके जाते हैं इसमें, और सारी स्मेल रहती है। अब बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। चंडीगढ़ से दो बार टीम आई थी, सारे दुकानदारों से साइन वाइन करवा के फ़ोटो वोटो खींच के ले गए थे, लेकिन इसका हम अगर यहाँ की बात करें, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इस टर्म में भी बना दिया गया, पिछली टर्म में भी बना दिया गया, इस टर्म आपने विधायक बीजेपी का बनाया, पिछली टर्म में जो विधायक थे यहाँ से विपुल गोयल मंत्री थे कैबिनेट में, कुछ काम शुरू से नहीं हुआ 10 साल के कार्यकाल में? विपुल जी के कार्यकाल में हुआ था, डेवलपमेंट हुई थी, उन्होंने ध्यान दिया था, लेकिन ओल्ड फरीदाबाद मेन ओल्ड फरीदाबाद में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके हम कह सके कि भी हमारे एमएलए साहब ने हमारा काम कराया। अच्छा, तो पहले वाले ने किया था, अभी वाले ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे? कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी ध्यान अभी नहीं। टिकट बहुत सारे नेता मांग रहे हैं बीजेपी से, अजय गौड़ का भी नाम चल रहा है, नरेंद्र गुप्ता भी हैं, विपुल गोयल भी हैं, आपको क्या लगता है कौन विधायक होना चाहिए फरीदाबाद का? अब आने के बाद क्या अभी पहले किसी ने काम नहीं किया तो आने के बाद कौन करेगा, क्या कह सकते हैं? कोई आपको उम्मीद ही नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो ये दुकानदार काफ़ी परेशान हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि काम हुआ ही नहीं है। विपुल गोयल के समय में थोड़ा बहुत काम फिर भी हुआ, लेकिन उसके बाद अभी काम नहीं हुआ है और ये कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है लोगों को। तो हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा लगातार जारी है और आप देख रहे हैं कि आज फरीदाबाद में किस तरीके से हम आपको ग्राउंड जीरो से तमाम अलग अलग इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को दिखा रहे हैं, साथ ही साथ जो 5 साल में विधायक ने काम किया है उसका पूरा ब्यौरा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की अभी भी क्या शिकायतें हैं और कितने कामों से वो खुश हैं, क्या काम उनको पसंद आए, क्या अधूरे रह गए और क्या कुछ पिछले 5 साल के कार्यकाल में काम हुए हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर बात है, क्योंकि फिर से चुनाव का वक्त है और इस चुनाव के वक्त में तमाम नेता पहुंचेंगे, अपना अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर फिर से वोट मांगेंगे और काम के आधार पर ही लोग ये तय करेंगे कि क्या वाकई में एक बार फिर से वोट दी जानी चाहिए या फिर कुछ और मामला हो सकता है। तो हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा फरीदाबाद में है और फरीदाबाद से हमारे साथ बीजेपी के विधायक इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं, नरेंद्र गुप्ता जी। नरेंद्र गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ में। ये हमारी चुनाव यात्रा है, तमाम हलकों में पहुँच रही है, आज आपके फरीदाबाद पर हम निकले हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी, आपका हरियाणा न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का। तो जैसा कि आपने बताया कि 5 साल में फरीदाबाद में अनेकों अनेक काम हुए हैं, पर कुछ ऐसे काम तो अब आप बताएंगे कि 5 साल में आपने क्या किया है, हम तो लोगों से बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी फहरिस्त है काम की, इधर आ जाइए आप, मैं बताता जाऊँगा तो मुझे लगता है जितना आपके पास समय कम पड़ जाएगा। पर मैं आज सबसे पहले जिस काम की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता कि आने वाली जनरेशन के लिए, हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जो क्रुशल समय होगा या क्रुशल बात होगी वो भी पानी, पानी बचाने के लिए हमने जो सबसे पहला एक काम था हमारे सीही गांव में, पहले गांव में पौंड होते थे, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ उन पौंडों को लोगों ने भर दिया और एमसीएफ वगैरह ने ध्यान नहीं दिया, तो मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 पौंड मेरे यहाँ आते हैं। सीही गाँव में 10 एकड़ में एक तालाब था जिसमें आसपास का मलबा डालने के बाद बिल्कुल अटा पड़ा था, 50-60 साल से ये कभी इसकी सफाई नहीं हुई, तो हमने कोशिश की है कि इसका पुराना स्वरूप को
वापस लाया जाए। पॉलीथीन से भरा हुआ था, गंदगी के अंबार थे। ये इसकी बात कर रहे हैं आप जो सीही गांव में जिस ताला, हाँ। सीही गांव के इसके जो अनऑथराइज्ड कब्जों को हटाने की भी कोशिश की गई है। ये क्या अपडेट है इस काम की, कितना हो गया है, कितना बाकी है? इसमें काम में बहुत काम बाकी है। इसमें हम पूरे फुटपाथ बनाकर इस पे दोनों तरफ स्टोन लगा के मिट्टी का कटाव ना हो पूरा पौधारोपण करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और बेंचेस डाल के इसमें घूमने का एक स्थान बनाएंगे। अभी टेंडर जल्दी दिया है, बरसात आने की वजह से काम पूरा नहीं हुआ, अभी काम रुका हुआ है इसका। तो मतलब अगली सरकार तक जाएगा? अगली सरकार नहीं, आपकी सरकार आएगी, चिंता ना करें कि भाजपा की तीसरी बार मैंने सरकार तो अगली बोला ना, मैंने थोड़ी कहा कांग्रेस की। आप आश्वस्त है कि अगली सरकार बीजेपी की आने जा रही है? जी 100%। जैसे दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है, उसी तरह से हमारे ही द्वारा ये काम पूरे टेंडर अलॉट कर दिए गए हैं और मुझे लगता है कि अगले 2-3 बरसात होने के बाद 2-3 महीने बाद इसका अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं शिलान्यास किया, उद्घाटन भी आप लोग ही करेंगे काम पूरा? वो तो जितने हमने काम मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आपने मेरे से पूछा कि क्या क्या हमने काम किए, तो मैं आपको बताऊंगा कि जितने काम हमने शुरू किए हैं उनका अधिकतर पूरा करके शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी किया है। ठीक है, देखिए जी एक एक करके बात करते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आप भी अपनी बात रखिएगा, लेकिन हम ग्राउंड पे जा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में हम हैं और स्मार्ट सिटी का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद को देखा जाता है। ऐसे में जगह जगह जो गंदगी का अंबार नज़र आ रहा है, और ये सिर्फ फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में नहीं, मैं फरीदाबाद ज़िले की बात करूँ या मैं पलवल ज़िले की बात करूँ, मैं मेवात की बात करूँ, गुरुग्राम की बात करूँ, ये पूरे हरियाणा में कमोबेश ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। गंदगी को लेकर कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं उठा पा रहे हैं तमाम विधायक, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के, इस समस्या से जूझ रहे हैं? आपके पास शिकायतें आती हैं? निश्चित रूप से जो आपने बोला है, देखिए मैं प्रैक्टिकल जो आपने बात रखी है मैं उससे भी सहमत हूँ, और निश्चित रूप से फरीदाबाद में जो जिस तरह की सोच हमारी है कि मैंने जो चुनाव लड़ा था इंदौर से जैसा स्वच्छ शहर बनाने का मैंने संकल्प लिया था, मैंने कोशिश भी की, पर जिस उम्मीद के साथ हम काम में लगे हुए थे किन्हीं कारणों की वजह से हम वो पूरी नहीं कर पाए। अभी जिस स्वच्छता की आपने बात की है निश्चित रूप से उस में पैरामीटर्स में हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। काम करें बहुत सारी सड़कें बनाई, लेकिन विधायक जी FMDA के तहत तमाम जो सड़कें बनी, लोगों का ये भी आरोप है कि वो बन तो गई लेकिन टूट बहुत जल्दी रही हैं, उनके क्या कारण है? कोई शिकायतें उस संदर्भ में आई आपके पास? कई बार न्यूज़पेपर्स में आती है निश्चित रूप से। अभी जो टेंडर्स हुए हुए हैं उसमें 5 साल की गारंटी का प्रावधान है, कॉन्ट्रैक्टर को अपनी बैंक गारंटी 5 साल तक अगर वो उसकी मेंटेनेंस करेगा और कोई मेंटेनेंस आती है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देना होगा। हम फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की खास तौर पे बात कर लें तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स हैं, मेजरली तमाम जो क्रीमी लेयर कहें वो रहते भी फरीदाबाद में ही हैं, और उन लोगों की एक बड़ी समस्या रोड्स को लेकर अक्सर रहते ही हमने देखा, पिछले दिनों बताया जा रहा था कि काफ़ी नाराज़ भी हैं सड़कों की परेशानी की वजह से और बिजली को लेकर भी। उस दिशा में आपने कुछ कदम उठाए? मैंने अभी ये रोडों के बारे में आपको बताया है, तो निश्चित रूप से अभी आपने मेरे कहने से इतनी दूर आने के बाद पूरी विधानसभा को घूमा है, और निश्चित ही मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो रोड मैंने आपको बताई हैं उस पर ज़रा एक बार आप नज़र डालें, बहुत ही सुंदर तरीके से रोड बनी है। कट तो बिजली के लग रहे हैं अभी, वो ये मौसम की वजह से है, बरसात की वजह से है, वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वो आप लोग ज़्यादा बता पाएंगे? अभी बताया ना, मेंटेनेंस के समय अगर कोई कट लगता है तो अलग बात है, बिजली शॉर्टेज की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अपनी इंडस्ट्रीज भी हैं और मैं अपनी इंडस्ट्रीज का डाटा आपको दे सकता हूँ, और किसी भी इंडस्ट्री का डाटा आप ले सकते हैं, सेक्टर 24 में जाइए आप। आपके विपक्षी तो कह देंगे विधायक हैं अपनी तरफ तो तमाम चीज़ें अच्छी आ जाए, उसको सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर 24 में आप जाइए, मैं 5 इंडस्ट्री कोई नहीं बताता आपको, आप किसी 5 इंडस्ट्रीज में चले जाइए, उनके बिल में रीडिंग आती है कि कितने घंटे उनको बिजली मिली। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद, स्मार्ट मीटर्स भी लगा दिए, स्मार्ट सिटी को लेके बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम भी आप लोग चला रहे हैं, लेकिन कितना स्मार्ट बन पाया फरीदाबाद? अभी कूड़े की समस्या भी है, पानी की भी है, सड़कों की भी है, और कितना समय चाहिए बीजेपी सरकार को कि वो तमाम परेशानियों को दूर कर पाए और वास्तव में एक स्मार्ट सिटी बना पाए फरीदाबाद को? देखिए स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा तोहफा फरीदाबाद को मिला था, पर जो स्मार्ट सिटी से हमें उम्मीदें थीं, क्योंकि वो बहुत छोटा सा एरिया लिया गया था और वो अधिकतर एरिया स्मार्ट सिटी में बड़कल विधानसभा का आया था, वहाँ आपको प्रोग्रेस दिखाई भी देती है। फरीदाबाद विधानसभा के लिए हमारे को सिर्फ हमारा एक ही
एरिया था, स्लम का थोड़ा सा एरिया लिया गया था, बाकी इसमें कोई एरिया नहीं था। एक्टिविटी आप बहुत जल्दी आने वाले 2 महीने में, क्योंकि बिल्कुल चुनाव भी एकदम पीक पे होगा 2 महीने बाद, और अभी बस मारा मारी सब टिकटों को लेकर रहने वाली है ना। टिकट का नाम सुनते ही एक स्माइल आ गई आपके चेहरे पे। बहुत सारे टिकटार्थी हैं इस बार फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से, अमूमन होते भी हैं, इस बार भी हैं, क्या लगता है नरेंद्र गुप्ता की टिकट कन्फर्म है? देखिए, विश्वास है पार्टी पर? भाजपा के कहते हैं कि सच्चे सिपाही हैं। भाजपा में कभी कोई कार्यकर्ता टिकट नहीं मांगता, पार्टी तय करती है। आपको तो पता ही है क्योंकि आप 2014 से व्यक्तिगत रूप से इस फरीदाबाद विधानसभा को देख रहे हैं। 2014 से 19 तक जितनी कवरेज आपकी चैनल ने इस फरीदाबाद विधानसभा को दी थी, मुझे लगातार जब से हमारा चैनल बना है, पूरे हमारा चैनल ही हरियाणा का है, तो काम ही हरियाणा में करने का। 2014 में भी हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, 2019 में भी कर रहे थे। हमारी पार्टी में टिकट मांगने से टिकट नहीं मिलती, कामों को देखते हुए टिकट मिलती है। आपको पता 2019 में शायद आपने तो पूरी तरह से इसको कवर किया था, तो पार्टी ने काम को देखते हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दी और फरीदाबाद की जनता ने भी विधायक बनाकर भेजा था। अब हमारे तो कमल का फूल है, जिसके पास कमल का फूल होगा हमें तो उसी को ही वोट देनी है। आपकी पार्टी ने तो छोटे से कार्यकर्ताओं को सीएम की कुर्सी पे बैठा दिया, तो मतलब बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सी स्थिति रहने वाली है, लेकिन आप पार्टी के साथ ही हैं 101% जी। हम लोगों को तो हमारी पहचान अगर नाम के साथ भाजपा जरूर लगती है, क्योंकि हमारे परिवार के, क्योंकि मेरा खुद का अपना बालकाल स्वयंसेवक रहा हूँ, सन 1974 से मैं बालकाल स्वयंसेवक हूँ, और 87 से भाजपा की विभिन्न पदों पर विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वाह किया है। बिगर रुके कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं ना जी, चाहे सरकार तो अब बहुत बाद में आई है, भी रहे हैं, तमाम खाते संभाले हैं और पूरा बैलेंस कैसे कहाँ पे लगाना है वो तमाम चीज़ें मैनेज की हैं आपने। तो बहुत धन्यवाद हूँ कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने जिम्मेवारियाँ दी, और निश्चित रूप से मैं, मेरे आने वाली पीढ़ी इस एहसान को, पार्टी के जो मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास जताया, हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। और जो भी परिस्थितियाँ होंगी, मुझे लगता है कि कार्यकर्ता पार्टी के बहुत ही अच्छी तरह से लगे हुए हैं और बहुत अच्छे परिणाम, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। लखन सिंगला पूरी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं इस बार तो तैयार है, कांग्रेस की सरकार आने वाली, लोगों ने मन बना लिया है, भाजपा जाने वाली है, भाजपा साफ। लोकसभा में हाफ तो हो गए, अब लगता है विधानसभा में साफ हो पाएंगे, कर पाएंगे ना? आप जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, वैसे मैं नाम कभी नहीं लेता, मैंने 2019 का चुनाव लिया था, पूरे चुनाव प्रचार में एक बार भी अपने प्रतिनिधि का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं अपने कामों के ऊपर चुनाव में जाता हूं। मेरी आदत किसी को, किसी की कमियों को गिनाने की नहीं है, वो जनता खुद देखेगी, वो फैसला करेगी। इस बार उन्होंने भोली वाली जनता को गुमराह करने की कोशिश की, कुछ भी कर ले विधानसभा में भाजपा साफ नहीं होगी, सोच भाई उनको बस सपने देख रहे हैं। पर आप देखिए कि अक्टूबर में वो सपना देख रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्या नरेंद्र गुप्ता को दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में? मेरे को, मैंने जैसे बताया 87 से 36 साल का मेरा अनुभव है राजनीति में, चुनाव एक जरूर लड़ा है मैंने, चुनाव बहुत लड़ा है, चाहे रामविलास जी यहाँ से चुनाव लड़े, मैं उनका चुनाव इंचार्ज था, अनेकों अनेक चुनाव लड़ाए हैं मैंने, स्थितियाँ देखी हैं, परिस्थितियाँ देखी हैं। पूरे हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विधायक के नाते अपने आप को फुल नंबर देते हैं? देखिए, निश्चित रूप से नंबर तो मैं अपने आप को क्या देने वाला, नंबर तो आप और जनता देती है, बस भाजपा की सरकार आ रही है, आश्वस्त हैं निश्चित रूप से। टारगेट है 70, 75, 80, 85? जनता अपने आप बता देगी, आपने बनाया नहीं पिछली बार की तरह कुछ 75 पार, या नेता बनाते हैं, नेता अपने आप सोचते हैं। मूलचंद जी से बात की मैंने, वो कह रहे हैं 70 पार। मूलचंद जी हमारे मंत्री हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, पर मैं तो सरकार बनाने के लिए 45-46 विधायकों की जरूरत है, उससे ज्यादा विधायक भाजपा के जीत के 50 भी आ जाए तो बस बढ़िया। नहीं, हमें तो 70 क्या, हम तो कहते हैं 90 आ जाए, हमें क्या दिक्कत है। लोगों का हैप्पीनेस तो वैसे ही बढ़ जाएगा अगर सड़कें ठीक मिल जाएंगी, पानी का जो ब्लॉकेज जलभराव है वो खत्म हो जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी, बस यही चाहिए और जनता खुश ही खुश है। मेरे अलावा आप जाके, मैंने रोड़े नाम बताई हैं, मैं जरूर आपसे वहाँ पे भी, हम वहाँ पे भी जाएंगे और वो भी आप जरूर दिखाएं, पर जो अच्छी चीजें हुई हैं वो भी दिखाएं। अच्छी चीज पे तो खड़े हैं ना, जो आपका फ्यूचर प्लानिंग है वहाँ पे खड़े। मैं आपको सिर्फ सुंदरता दिखाने के लिए नहीं लाया, मैं दिखाया कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसी विरासत छोड़ के जाने। ऑल द बेस्ट चुनावों के लिए नरेंद्र गुप्ता जी, देखते हैं फिर से मिलेंगे एक बार दोबारा, यात्रा पार्ट 2 पे जब आएंगे तो फिर से आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो विधायक नरेंद्र गुप्ता को आपने सुना, साफ तौर पे एक बार फिर से जीत को लेके आश्वस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कह रखे हैं। सीही गांव में हम हैं और पीछे
एक योजना के बारे में उन्होंने जानकारी दी जिसको लेकर काम चल रहा है और पानी किस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिले उसके रखरखाव के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस जगह पर ज़ोरों से काम चल रहा है। हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज पे है, लेकिन जल्दी ही होगा और इस परेशानी को दूर करेंगे। रही बात सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर और गंदगी को लेकर, जो तमाम हमने सवाल पूछे उनके जवाब उन्होंने साफ तौर पर दिए। अब आप इनके काम को कैसे आंकते हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं या कहीं नाराज़गी है, वो हम आप पे छोड़ेंगे। लेकिन अपनी इस चुनाव यात्रा के ज़रिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग हलकों में जाकर लगातार ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं, तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं और आज फरीदाबाद की यात्रा है। आगे बढ़ते और कुछ और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाते हैं आपको। चलिए, तो फरीदाबाद में यात्रा हमारी जारी है और ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे बात करते हैं कुछ दुकानदारों से, आम लोगों से, क्या कुछ माहौल चुनावों को लेकर देख रहे हैं। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं, 5 साल के रिपोर्ट कार्ड लेकर अब नेता पहुँचेंगे और सरकार के काम गिनवाएंगे। आपको लगता है कि फरीदाबाद में वाकई काम हुए 5 साल में? देखिए, हमारे एरिए में काम नहीं हुआ पर्टिकुलर संजय कॉलोनी SDM नगर में, बट फिर भी उम्मीद करते हैं आगे BJP कुछ ना कुछ करे, अच्छा लगेगा। तीसरी बार भी मौका BJP को देना चाहते हैं? हाँ, देना तो चाहेंगे, क्योंकि PM बढ़िया है, बाकी हरियाणा की गवर्नमेंट कुछ खास काम कर नहीं रही है, तो उम्मीद करते हैं अगली बार कुछ ना कुछ अच्छा होगा। विधायक का कामकाज कैसा रहा, नरेंद्र गुप्ता? नरेंद्र गुप्ता का एक्चुअली वो इधर के हैं, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मेरे इधर जो है सीमा त्रिखा, उन्होंने हमारे एरिया में आसपास कुछ काम खास नहीं। हाल ही में मंत्री बनी हैं, मंत्री बनने के बाद भी कुछ एक्शन में आई, काम वाम किया नहीं? अभी कुछ स्टार्टेड नहीं है, कुछ भी बट काम दिखना चाहिए ना, काम दिख नहीं रहा, ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, फिर भी उम्मीद करते हैं। BJP से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो उम्मीद पे दुनिया का है। जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, हरियाणा मांगे हिसाब बदलाव और ना जाने क्या, नथिंग एल्स, वो जितने मर्जी ढोल पीटते रहो, आना फिर भी उसी लिए। बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल एडवेंस वो है, हाँ, किसी का ओपिनियन लेने की कोशिश ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव हैं, फरीदाबाद से कौन जाना चाहिए चंडीगढ़? आनी तो BJP चाहिए, पर काम कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। काम नहीं कर रहा है? नहीं। तो 5 साल में विधायक साहब ने काम किए, नरेंद्र गुप्ता जी ने? नहीं नहीं, कोई काम नहीं किए। क्या परेशानी है? ये देखिए आप, कितना ढेर लगा हुआ है कूड़ों का, ये देखिए ना, यहाँ सांस लेने में परेशानी हो गई है लोगों को। कितने सालों हो गए, हर जगह मैं देख रही हूँ फरीदाबाद में कूड़े को लेकर, कैमरे से कूड़ा कितना पड़ा हुआ है, हर जगह हम जा रहे हैं और कूड़ा बहुत बड़ी समस्या देख रहे हैं, तो उठाते ही नहीं है, कोई काम नहीं, झाड़ू लगा के इकट्ठा कर जाते हैं बस, यहाँ कोई उठाता नहीं, उसके मलबा इकट्ठा हो जाता है, गाड़ी की गाड़ी लग जाती है यहाँ, बहुत गंदगी रहती है, सांस लेने में परेशानी है यहाँ पर। तो चाहे सांस ना आए लेकिन BJP जरूर आए, ऐसी बात है क्या? हाँ, मोदी जरूर आए, मोदी जरूर आए, तो मतलब मोदी जी के नाम पर ही हरियाणा में भी नैया पार हो जाएगी? नहीं, पूरा देश उसी के ऊपर चल रहा है। 5 साल में कुछ हुआ? कुछ नहीं करा जी, विधायक साहब ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, पता नहीं गड्ढे में पड़े थे, पूरी सड़क खुदी पड़ी है, ये पूरा गंद फैल रहा, पेशाब बदबू आती है यहाँ पे, हवा चलती है तो पूरी गली खुदी पड़ी, हमारा पूरा मोहल्ला खराब हुआ पड़ा है। हम 19 की मार्केट में भी गए, वहाँ पे भी ऐसी स्थिति है और हर जगह बदबू, गंदगी, ये सब परेशानी, वही बदबू है जी, सब गंदगी है जी, नहीं करवा रहे, कुछ भी नहीं करवाते, वो कुछ नहीं कराते। उनके पास गए हैं कभी लोग? गए थे हम, चप्पल घिस गई हमारी। अच्छा, हाँ, चप्पल घिस गई। हाँ, लेकिन विधायक साहब ने कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं करा जी, घर पे मिलने गए थे दफ्तर में, वहाँ पे 11 सेक्टर, हाँ, क्या कहते हैं विधायक साहब? करवाएंगे, कोई करवाता ही नहीं है, नहीं करवाते हैं। इससे पहले यहाँ से विधायक, कैबिनेट में मंत्री भी थे विपुल गोयल, जिनकी टिकट कट गई, वो बढ़िया थे, वो बढ़िया थे, वो बढ़िया थे, उन्होंने कुछ करवाया था? हाँ, वो तो करवा रहे, काम करवा दे, पूरी सड़क अपने खर्चे से, अब कैसे बनवा दी, तो आर ऊपर से आ रहा था, उन्होंने बनवा दी, विपुल ने, अपना विपुल गोयल ने। अच्छा, तो अभी क्या लगता है किसको टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि अब तो विपुल को मिलना चाहिए जी, विपुल को लग रहा है कि टिकट देगी पार्टी, तो विधानसभा पहुँचा देगी। हाँ, पहुँचा देगी। तो अभी बहुत कुछ चर्चाएं चल रही हैं, कोई कह रहा निर्दलीय भी विपुल गोयल चुनावी मैदान में आ सकते हैं, तो निर्दलीय तो लड़ लेंगे, BJP वाले नहीं लड़ने देंगे, नहीं लड़ने देंगे, रहना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस का कोई स्कोप है क्या? लखन सिंगला, सुमित गौड़, बहुत पोस्टर देख रहे हैं। लखन सिंगला है, जीते जभी तो नहीं जीते, मुश्किल है, उम्मीद
आप कह रहे हैं कि विपुल गोयल ने फिर भी कुछ किया, करा तो अभी आप दोबारा अगर मौका देंगे या पार्टी टिकट देगी तो कुछ कर पाएंगे लगता है? हाँ, अस्पताल 10 साल हो गए, मैं 10 साल में अस्पताल ही नहीं बना अभी तक। अच्छा। हाँ, काम ही नहीं होते अस्पताल में, जो डिलीवरी होती है कहाँ जाएं? बहुत समस्या है, बहुत। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को कहते हैं, गंदगी है, गंदगी फरीदाबाद है ये, गंदगी आ गई, स्मार्ट सिटी नहीं आई, गंदगी आ गई है, नहीं आई, गंदगी आ गई है, लोग कह रहे हैं और साफ तौर ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई काम किया ही नहीं है। नरेंद्र गुप्ता के ऑफिस के चक्कर काट कर चप्पल घिस गई है, लेकिन विधायक साहब ने सुना नहीं है। इससे पहले कैबिनेट में मंत्री भी रहे विपुल गोयल, विधायक भी रहे फरीदाबाद से, लोग कह रहे हैं उन्होंने फिर भी काम किया, लेकिन नरेंद्र गुप्ता ने खासतौर पर कुछ नहीं किया। आगे चलते हैं, मार्केट में कुछ और लोग भी हैं और ये ओल्ड की पूरी मार्केट है, आप देखिए सकरी सकरी गलियाँ हैं और इन गलियों के बीच में ठीक तमाम लोग आते जाते हैं इस मार्केट में। क्या लगता है विधानसभा का चुनाव सर पे है? सर बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, आप यहाँ से नहीं है? सरकारी कर्मचारी हैं जी, सरकारी कर्मचारी, तो सामने तो प्राइवेट जॉब ही है ना, सरकारी तो नहीं है नौकरी, तो क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं मैम मुझे। तो क्या लगता है कौन विधायक बनना चाहिए फरीदाबाद से? मैम नया उम्मीदवार आना चाहिए कोई भी आए। कौन नया? जो भी आए जी, अभी तो कंफर्म है नहीं कौन खड़ा हो रहा है यहाँ पे। नहीं तो वो तो होगा खड़ा, लेकिन अभी 5 साल के कामकाज को तो देखेंगे ना, बीजेपी के विधायक ने कैसा काम किया? जीरो। हाँ, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो, क्यों? कुछ भी देख लो आप, एक साल पहले सड़क बनी है, देख लो आप, एक साल पहले की सड़क है, एक साल पहले की सड़क। हाँ जी, लंबे लंबे दावे कर रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं मैंने इतनी सारी सड़कें बनवा दी, छोटा मोटा जो कमी आई कहीं गड्ढे आए, गंदोर कितनी गंदोरी है सामने, वो देखो वहाँ पे 15 दिन तक कूड़ा नहीं उठता, जब कंप्लेंट डाली जाती है जब कूड़ा उठता है वहाँ पे। अच्छा, कूड़ा भी नहीं उठाते? नहीं जी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? पूरे फरीदाबाद में मैं देख रही हूँ हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, काम ही नहीं करता, काम होगा विकास होगा जब भी तो कुछ दिखाई देगा ना। नगर निगम भी कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं, ना लाइट ना पानी ना सड़क कुछ नहीं, ना सफाई कुछ भी नहीं है। क्या इस बार चुनाव में क्या लगता है क्या करेंगे? नया आना चाहिए जो भी है, हम तो सीधी सी बात कहेंगे, काम करना चाहिए, दिखाई देगा तो अपने आप। क्या कांग्रेस कोई भी है, कांग्रेस के इलेक्शन दिख रहे हैं जी फिलहाल तो। अच्छा, कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि 10 साल का सत्ता चेंज तो होती है, वो दिख रही है आपके, होगी आपके सत्ता बदल देंगे आप? बिल्कुल बदल जाएगी, जो काम है उससे बदल, विधायक भी बदल देंगे, विधायक भी बदलेगा, परेशान है विधायक सर। बिल्कुल, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो नरेंद्र गुप्ता ने कुछ किया ही नहीं 5 साल में, लगातार ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि क्या कुछ देख रहे हैं। चुनाव सर पे है विधानसभा के, क्या लगता है इस बार फरीदाबाद से कौन जीत सकता है? कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस आएगी बिना सोचे समझे एकदम क्लियर कट। कुछ नहीं किया हरियाणा में, कुछ नहीं किया, बिना कुछ नहीं किया, बीजेपी से परेशान हो गए, परेशान है। तो विधायक साहब काम वाम किया क्या? मोद ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मोद ले रहे हैं और क्या, विधायक साहब तो मोद ले रहे हैं, उन्हें क्या चिंता है, पब्लिक परेशान है। तो कभी आते हैं कभी सुनते हैं? खट्टर जी थे पहले, कभी नहीं देखे। हाँ, मुख्यमंत्री थे वो तो, प्रदेश मुख्यमंत्री कभी देखे ही नहीं यहाँ फरीदाबाद, देखे यहाँ नहीं आए। तो नरेंद्र गुप्ता देखे विधायक? नरेंद्र गुप्ता आते थे, लेकिन जो मंत्री साहब है ये भी नहीं आते। कौन, केंद्र वाले मंत्री के? किशन पाल गुर्जर। अच्छा, किशन पाल गुर्जर। तो अभी तो हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा की सरकार बनानी है, कांग्रेस की आएगी, अब कांग्रेस की सरकार आएगी फरीदाबाद से विधायक? 100% कांग्रेस का ही होगा, जो भी होगा कांग्रेस का ही होगा, जो भी होगा। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और जो विधायक है वो भी इस बार बदल देंगे, कांग्रेस का ही बनने जा रहा है। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही है, हालांकि लोग ज़्यादा नाराज़ इस बात से हैं कि बीजेपी ने खासा काम किया नहीं है, ग्राउंड पे लगातार लोग परेशान हैं, विधायक मौज में हैं और आम लोग पिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कोई उनके सुनने वाला नहीं है। कुछ और लोग भी हैं जो बात करना चाह रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है सर, विधानसभा का चुनाव है, फरीदाबाद से कौन बाजी मारेगा? कौन बाजी मारेगा? जो काम करवाएगा वही बाजी मारेगा। काम करवाया आज तक? आज तक तो हमारे इधर तो लखन सिंगला ने काम करवाए हैं। अच्छा, लखन सिंगला ने करवाए हैं काम? हाँ जी, हाँ जी, जो भी काम होता है हमारे इधर तो लखन सिंगला जी करवाते हैं। विधायक तो आपके नरेंद्र गुप्ता जी हैं? हमने तो इलेक्शन के बाद शक्ल ही नहीं देखी उनकी। देखिए नहीं, तो एमपी की तो फिर भी शक्ल दिखाई दे जाती है, विधायक तो हमने देखे ही नहीं, हमें तो शक्ल ही भूल गई कैसे थे। अच्छा, कृष्ण पाल गुर्जर की शक्ल दिख जाती है? हाँ, फिर भी दिख जाती है। विधायक साहब के पोस्टर वोस्टर नहीं लगे क्या कहीं? पोस्टर शक्ल तो याद आ जाए, पोस्टर देख के भी नहीं लगे, पोस्टर भी नहीं लगे उनके। अच्छा, ना पोस्टर है ना विधायक जी खुद हैं? विधायक जी तो खुद तो है ही नहीं, पोस्टर दिखा जाते, कम से कम लोगों की शक्ल तो याद रहती है। अच्छा, तो आप बिल्कुल नाराज लग रहे हैं विधायक? नहीं नहीं नहीं, नाराजगी वाली तो बात ही है, हम लोग जब वोट देते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे इधर काम होगा,
और कुछ नहीं है, सड़क ही देख लो, इसकी फोटो ही जरा एक बार दिखा दो इनको। क्या परेशानी लगती है आपको और इसके अलावा, सड़कों के अलावा? सड़क बनी 10 दिन बाद ही टूटना शुरू हो गई, एक बारिश आई तो ऐसे धुल रही है जैसे नमक में मिला के बनाई है। से मैंने सवाल पूछा था, नरेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि सड़कें तो मैंने जबरदस्त तरीके से बनवा दी, और अगर किसी सड़क में फॉल्ट आता है तो ठेकेदार उसको अपने पैसों से ठीक करवाएगा, ये हमारी सरकार के ऊपर कोई फालतू बोझ नहीं होगा? फालतू सरकार के ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन बनवाई है तो उसके देखभाल कौन करेगा, उनकी जिम्मेवारी किसकी है? ठेकेदार को क्या, जनता ढूंढने के लिए जाएगी? हम क्या यहाँ से उठ के ढूंढेंगे कौन सा ठेकेदार है? जब ठेकेदार सड़क बना रहा था तभी उसे कहा था यहाँ सफाई करवा लो, वो तो उल्टा ठेकेदार के तो मार्केट में 10 लोगों से लड़ाई। क्वालिटी चेक नहीं हुआ, क्वालिटी चेक के पहले तो सफाई होनी चाहिए, कूड़े के ऊपर अगर सड़क बना देंगे कहाँ टिकेगी? तो कूड़े के ऊपर सड़क बना दी, कूड़े के ऊपर मिट्टी के ऊपर सड़क बना दी, 10 मिनट बारिश हो जाएगी ना सारे सीवर के पानी बाहर, गटर के पानी बाहर आ जाता है, मार्केट में भी आ जाता है पानी, मार्केट में ही इसमें आता है इस मार्केट, इधर तो सीवर इतनी नहीं है, अच्छा बचाव हो जाता है, इधर तो उतना है बट गली वली में सारे में पानी भर जाते हैं, सीवर का पानी आ जाता है, तो पानी की सप्लाई में भी सीवर का पानी आता है मैंने सुना है, वो भी आ जाते हैं, वो भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी आता है, तो क्या करते हैं फिर, पानी वानी खुद खरीदते हैं आरओ का? हाँ आरओ का सारे फिल्टर भी यूज़ करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं फिर तो। देखिए सप्लाई में भी गंदा पानी आ रहा है सीवर का मिक्स होकर, और ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं। आगे चलते कुछ और लोगों से करते हैं बात और इनकी परेशानियां दिखाते हैं आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ये सबसे बड़ा शो है चुनाव को लेकर, जिसमें 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारी ये यात्रा पहुँचेगी, और ये यात्रा हकीकत बयां करेगी। देखिए मेन मार्केट है यहाँ पे, आवारा पशुओं की हम बात करें तो उनका आतंक अक्सर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से पूरी गलियों में मार्केट्स में गायें सांड ये सब ओपनली घूम रहे हैं, लोगों को परेशानी तो है ही, और ये आवारा पशुओं को लेकर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और ये स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की तस्वीर है, जिस स्मार्ट सिटी के हालात आप देख सकते हैं सामने, लगातार कितनी परेशानियों का सामना लोगों को यहाँ पे करना पड़ रहा है और कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको इस यात्रा में, बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा आज फरीदाबाद की सैर आपको करा रही है, तमाम परेशानियां ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रही है, और तमाम नेता जिन्होंने फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व किया पिछले 5 साल में भी और उससे पहले भी, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ काम हुए और इतनी परेशानियां जो आज देखने को मिल रही है कैसे उसको देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व उद्योग मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल गोयल जी हैं। विपुल जी बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद, धन्यवाद जी। हम तमाम हलकों में जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से अपनी ये चुनाव यात्रा कर रहे हैं, आज फरीदाबाद में हैं और हर जगह समस्याएं ही समस्याएं देखने को मिल रही है, आखिर क्यों? मैं समझता हूँ जो समस्याएं हैं तो एक निरंतर हैं, क्योंकि जब लोग रहेंगे तो बल्ब लगेगा भी, फ्यूज़ भी होगा आपका, और भी जो घर की साफ सफाई है वो भी करनी पड़ेगी, दीवारों पे पेंट भी करना पड़ेगा, ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन जो काम की मेजर मूलभूत समस्याएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा काम पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा की सरकार ने किया, चाहे मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार हो चाहे नायब सैनी जी के नेतृत्व की सरकार हो, 10 साल के अंदर लंबी लकीर डेवलपमेंट की फरीदाबाद विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इवन पूरे फरीदाबाद के अंदर खींची है। आप कह रहे हैं 10 साल में बहुत काम किए, 10 साल में से 5 साल आप विधायक भी रहे, उसके बाद मंत्री पद भी मिला, उद्योग मंत्री रहे, ईज ऑफ डूइंग में नंबर 1 तक भी हरियाणा पहुंचा, फरीदाबाद को खास तौर पे क्या मिल पाया? क्योंकि इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो आज भी परेशान है, रोड सामने पूरे टूटी हुई हैं, पानी को लेकर इतनी समस्याएं हैं, बिजली को लेकर इतनी समस्याएं हैं। आप जब 2019 की बात करें उसके अंत तक क्या करके गए थे और उसके बाद क्या कुछ हुआ, कोई रिपोर्ट कार्ड है आपके पास? देखिए सारा रिपोर्ट कार्ड मेरे पास है, मैं 10 साल का कार्यकाल गिनवाऊंगा, चाहे विपुल गोयल था या नहीं था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ पर। IMT बिल्कुल वीरान, एक कागजों के अंदर IMT हम लोगों को मिला, उसको डेवलप करने का काम, और 10 साल के अंदर आप लोगों ने देखा उसके अंदर हज़ारों इंडस्ट्रीज़ जो चालू होगी लग गई, उनकी प्रक्रिया को इजी बनाने का काम। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं समझता हूँ फरीदाबाद विधानसभा के अंदर एक भी ऐसी सड़क नहीं है जिसको पिछले 10 साल के अंदर जो ना बनी हो, लेकिन अगर तो हर जगह गड्ढे क्यों हैं? ये सड़क हर जगह खुदाई चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। आप बारिश के अंदर आप अपना टिक टैक करने के लिए हरियाणा के अंदर निकले हो,
आज बारिश के अंदर तो महाराष्ट्र में चले जाइए, एक बात चुनाव है सर, आज दिल्ली के अंदर चले, हाँ बारिश के बाद ठीक चुनाव है तो हमेशा बारिशों के बाद नहीं जाएंगे, इतनी मुसीबत तो नहीं आएगी, बारिशों के बाद रिपेयर हमेशा होता रहा और लोग भी समझते हैं अगर बारिश तेजी से आएगी तो हम तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो लेटेस्ट दुबई जाना जाता है, रोज आप वीडियो पे देखते हो जब बारिश आती है किस तरीके से 2 घंटे के लिए पानी भरता है, ये नहीं कि रिपेयर नहीं हुए बारिश में, पहली बार यहाँ पर कोई सड़क टूटी है, लेकिन मैं कहता हूँ 10 साल के अंदर कोई ऐसी सड़क नहीं है जो यहाँ पर ना एक क्या दो दो बार ना बनी हो। सबसे बड़ी बात जो फरीदाबाद का ज्योग्राफिकली स्टेटस है उसमें दो दो तीन तीन हाईवे निकाल कर उसको जोड़ने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव सर पे है और चुनावों में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि नहीं, तो विपुल गोयल चुनाव लड़ने जा रहे हैं फरीदाबाद से या फिर नहीं? बिल्कुल विपुल गोयल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कमर कस के तैयार रहता है। पिछली बार आप कैबिनेट मंत्री थे, परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी थी, पार्टी ने टिकट काट दी, तमाम चर्चाएं हुई कि विपुल गोयल बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, कोई कह रहा है चुनाव लड़ रहे हैं, फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप बीजेपी से बाहर भी नहीं गए, अभी लोकसभा के चुनाव में भी आपने टिकट मांगी, पार्टी ने यहाँ पे भी टिकट नहीं दिया, क्या गारंटी है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में विपुल गोयल को टिकट मिलेगी? देखिए कोई ये पारिवारिक दल नहीं है, ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है कि जो एक व्यक्ति दो व्यक्ति इसमें मशवरा करेंगे और टिकट का हाना कर दिया जाएगा या एक दरवाजे की खिड़की खोलते रहो उस पर आपको टिकट हो जाएगी, एक संगठन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर एक पूरी की पूरी जो शीर्ष नेतृत्व की बॉडी बैठती है वो लोग निर्णय करते हैं कि किस व्यक्ति का उपयोग अब हमें चुनावी राजनीति में करना है, संगठन में करना है, आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, हमेशा मतलब प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे तमाम इलेक्शंस के अंदर जो जगह जगह ड्यूटी लगाने का काम करते हैं और जो भी संगठन का काम में वो लिया जाता है, अगली बार जो चुनाव होगा विपुल गोयल फिर प्रत्याशी रहेगा, अपनी टिकट मांगेगा, लेकिन निर्णय करना शीर्ष नेतृत्व का है कि विपुल गोयल संगठन में काम करे या आगे जाकर चुनावी रहे। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है कि विपुल गोयल अभी तो संगठन में काम कर रहे हैं, ठीक है खुश हैं? पहले तो ये बिल्कुल खुश हैं, हाँ ठीक है खुश हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती, हाइपोथेटिकल है, लोग कह रहे हैं तो विपुल गोयल इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, पिछली बार तो फिर भी हाथ पीछे खींच लिया था, निर्दलीय लड़े ही नहीं थे चुनाव, लेकिन इस बार चाहे निर्दलीय लड़े चाहे कांग्रेस में जाएं या कुछ भी करें लेकिन चुनाव लड़ने वाले हैं। इन सब बातों को तो मैं सिरे से खारिज करता हूं कि कांग्रेस में जाएं या कुछ और करें, विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा है, प्रत्याशी है, निर्णय लेना भारतीय जनता पार्टी का काम है, लोगों की भावनाओं को मैं आदर करता हूं कि वो विपुल गोयल को अपना विधायक देखना चाहते हैं, अपना नेतृत्व करवाना चाहते हैं, विपुल गोयल को अपना सेवक बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, लेकिन उनकी भावनाओं की कदर भी पार्टी करेगी और विपुल गोयल आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। क्या करेंगे आप, स्मार्ट तो बन नहीं पाए फरीदाबाद, स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम तरह के दावे हमेशा हुए लेकिन ग्राउंड जीरो पे कोई काम नहीं हुआ। 2014 से पहले अगर गिनवाएं फरीदाबाद की दिल्ली से कनेक्टिविटी, फरीदाबाद की गुड़गांव से कनेक्टिविटी, फरीदाबाद की नेशनल हाईवे जो बॉम्बे बड़ोदरा है उससे कनेक्टिविटी, फरीदाबाद के अंदर बड़खल का जीर्णोद्धार और फरीदाबाद के अंदर नया क्रिकेट स्टेडियम बनने के लिए उसका काम शुरू होना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितने पैसे पिछले 10 साल के अंदर फरीदाबाद पर लगे हैं पिछले 50 साल के अंदर भी फरीदाबाद के अंदर नहीं लगे, आप उसे डिक्लेयर करो। लगातार सेवा कर रहे हैं और आपने लगातार किया भी और लोग इसीलिए एक बार चाह रहे हैं कि फिर से आपको टिकट मिलनी चाहिए और चुनावी मैदान में आप होने चाहिए, लेकिन फरीदाबाद का जब भी जिक्र आता है दो नाम ऐसे हैं जिनकी साफ तौर पर फाइट नज़र आती है, विपुल गोयल और आपके सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। अभी ठीक है यारी दोस्ती हो गई या फिर पैचअप हो गया? इतना बड़ा परिवार है जो भारतीय जनता पार्टी है, मतभेद होते रहते हैं लेकिन मनभेद किसी का नहीं है, सब लोग जब कमल का फूल आता है उसके पीछे चलने का काम करते हैं। तो आपके कृष्ण पाल जी से कोई मतभेद कोई मनभेद नहीं? कोई कोई छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाना, लेकिन ये कोई हमारी जातिगत लड़ाई कोई है, वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, यहाँ के लोकल एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और मेरे पर्सनली तौर पर मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए हमारा किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। हम आपके विधायक साहब से जो अभी फिलहाल फरीदाबाद को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे भी मिले और एक जगह पर हमें लेकर गए, एक प्लांट दिखाया उन्होंने सीही गांव में हमें ग्राउंड जीरो से, वहाँ पर हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से कोशिशें तो हो रही हैं, वाटर ट्रीटमेंट होगा, फ्यूचर की प्लानिंग होगी, पानी। हाँ जी जी मुझे पता है, सी गांव के अंदर वो 15 करोड़ रुपए का एस्टीमेट था, मेरे कार्यकाल में हमने उसे पास कराया और इस वाले कार्यकाल के अंदर उसका इम्प्लीमेंट चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई बातचीत आपकी?
भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ विधानसभा में रहे थे तो, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस के नेता हैं, तो कहीं किसी सामाजिक प्लेटफॉर्म पर कभी किसी शादी ब्याह में मिल जाना तो बातचीत भी होती है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। लोग लगातार पूछ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कुछ चल रहा है, विपुल गोयल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में हैं, बातचीत चल रही है टिकट को लेकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा जी से मिलना जुलना सामाजिक प्लेटफॉर्म में आना ये तो एक नियमित सी बात है। हर व्यक्ति मेरे ख्याल से, हम जब लोग किसी सामाजिक कार्यक्रम में या शादी ब्याह में जाते हैं तो सभी दल के नेता वहाँ पर मिलते हैं, तो इस तरीके से रेगुलर राम शाम बातचीत होती है। लेकिन इसका कोई ये मतलब नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। विपुल गोयल, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष, तन मन धन सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है विपुल गोयल का। देखिए, विपुल गोयल तन मन धन भारतीय जनता पार्टी का, विपुल गोयल पूरा का पूरा खुद भी विपुल गोयल भारतीय जनता पार्टी का। तीसरी बार नायब सैनी की सरकार बनने जा रही है? जी जी, 100% लोगों में एक इस कम कार्यकाल के अंदर जो लोगों ने एक्सेप्ट किया, जो उनकी कहते हैं ना बहुत शालीनता और बहुत डाउन टू अर्थ जो उनका नेचर है, लोगों उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। इस कम कार्यकाल में के अंदर जितनी एक्सेप्टेबिलिटी नायब सिंह सैनी जी की हरियाणा के अंदर हुई है, इतना बड़ा मुश्किल काम है और इसका परिणाम हमें चुनावों में मिलेगा और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा पर विपुल गोयल जी ने साफ दावा कर दिया है कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। अब क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है हमारी ये चुनाव यात्रा देखकर, या आपको लग रहा है कि परिस्थितियां थोड़ी बदली नज़र आ रही हैं और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इस बार चुनावों में परेशानी होगी? बहरहाल, वो क्या करना है आपका निर्णय है, लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं अलग अलग लोगों की समस्याओं को, जिसको हल करने के लिए नेताओं ने कोशिशें तो की हैं, लेकिन कितने कामयाब मानते हैं आप उनको, ये आपको फैसला करना है और उसी के आधार पर आगे विधानसभा में वोट डालना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से फरीदाबाद की दिखाते हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो फरीदाबाद से ये चुनाव यात्रा हरियाणा न्यूज़ की जा रही है और लगातार हम आपको लोगों से बात करवा के उनकी परेशानियां बता रहे हैं, साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं विधायक नरेंद्र गुप्ता का। क्या लगता है सर, इस बार विधानसभा चुनावों में क्या कुछ होने वाला है? विधानसभा में सरकार तो देखो बदलाव चाह रही है, पब्लिक तो बदलाव ही चाहती है। सरकार तो बिल्कुल नहीं चाह रही बदलाव, सरकार तो चाह रही हम ही आ जाए तीसरी बार। पब्लिक तो बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है कि जो बीजेपी ने यहाँ काम ही नहीं करा, कभी जो विधायक है वो किसी की सुन के राजी नहीं है, नहीं सुनते विधायक, कोई मतलब ही नहीं है, चप्पल घिस गई लोगों की जाते जाते। कभी कोई कांग्रेस का लखन सिंह लाए तो बेचारा वो कभी यहाँ सफाई भी करा देता है, कभी विधायक से कहते रहो तो कभी कुछ किसी की सफाई नहीं करते। अब यहाँ विधायक ऐसा हो जैसे बुपुल जैसा हो, बुपुल के खड्डे अब तक नहीं भरे गए लोगों पर, वो खड्डे अब तक जो बुपुल ने खुदवाए थे वो खड्डे अब तक पड़े हैं ऐसे के ऐसे। मतलब समझ नहीं आया मुझे क्या मतलब बुपुल जो बीजेपी का आदमी था, उसने जब बीजेपी की सरकार थी तो बुपुल ने खड्डे खुदवाए, यहाँ सीवर डालेंगे पानी डालेंगे, वो खुद तो कोई भरे नहीं अब तक। अच्छा, तो ना सीवर डले, तो विपुल गोयल 5 साल से नहीं है, टिकट काट दी थी पार्टी ने नरेंद्र गुप्ता, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। अच्छा, इसका कारण क्या मानते हैं? इनका कारण मैं क्या मानता हूँ, सरकार की कुछ कमियाँ रही होंगी, जो विधायक की चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की जी, जो उसने कभी 3 बार रहने के बाद भी उसने शहर के अंदर आके नहीं देखा, कभी भी नहीं आया। हाँ। कोई चीज़ को बुलाते हैं चलाते हैं तो कोई तो हमारी सुनवाई है नहीं। अब समाज देखो पीछे कितनी गंदगी है, पूरा बाजार गंदगी से भरा रहता है, कोई समझ ही नहीं आती किसी चीज़ की। सरकार बदलनी चाहिए, सरकार तो बदलाव तो चाहती है। टिकट तो विपुल गोयल भी मांग रहे हैं, तो विपुल गोयल मांगेगा तो वो काम भी करेगा, काम करेगा उम्मीद है आपको? पक्का 100%। ना गया तो हमारा, अगर लखन को मिल जाएगी लखन से कराएंगे। अच्छा, नहीं तो विपुल से कराएंगे। दोनों हमारे शेर नेता हैं, दोनों शेर। ज्यादा दहाड़ किसकी? ज्यादा दहाड़ हमारे लखन सिंगला की। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। तो कह रहे हैं कि बढ़िया काम विपुल गोयल ने करवाए, लेकिन जब विपुल गोयल के काम थे, जो उन्होंने काम शुरू करवाए, जब उनकी टिकट कट गई, सरकार फिर से बीजेपी की आ गई, विधायक भी बीजेपी के बन गए, लेकिन वो काम हुए नहीं जिसको लेकर लगातार आवाज़ उन्होंने उठाई और शुरू कराया। फिलहाल बारिश हो रही है काफ़ी, हम गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद अपनी चुनाव यात्रा को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि बारिश में ये सब अब और लोगों से बात करना संभव नहीं होगा। मिलेंगे आपको, आगे चलते हैं।
ये चुनाव यात्रा आज फरीदाबाद में है और आपको हम ग्राउंड जीरो से अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधायक नरेंद्र गुप्ता के दावों को भी आपने सुना हमारे साथ बातचीत में, किस तरीके के बड़े बड़े दावे उन्होंने किए, लेकिन ग्राउंड की तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही बयान कर रही हैं। फिलहाल सीही के स्लम में हम मौजूद हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मात्र 5 से 10 मिनट की बारिश, और उस बारिश में इस तरीके का हाल इस पूरी रोड का हो गया है। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिलेगा, और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे बारिश आ गई थी और हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी से उतरे, महज 5 मिनट की बारिश थी और उसके बाद इस तरीके का हाल हो गया है। यहीं रहती हैं क्या? इतनी सी बारिश हुई अभी तो और पूरा पानी हो गया? हाँ, पूरे भर जाते हैं। हमेशा ऐसा रहता है? हमेशा रहता है ऐसे। कोई सुनता नहीं है क्या? कोई नहीं सुनता है, जो गटर भी भर जाता है। हाँ। गटर से भी पानी निकलता है तो फिर जाते हैं अधलखा के पास। हाँ। तब फिर गाड़ी भेजता है तो साफ करके जाता है। वो भी कोई साफ करने नहीं आता है? वो वही था बीपी। विधायक यहाँ के नरेंद्र गुप्ता है, सुनते हैं कभी? नरेंद्र गुप्ता है फिर भी नहीं करवाता है, तो उससे अच्छा था बीपी गोयल है कि मतलब गटर भी तो वही बना के गया बेचारा। अच्छा, फिर साफ सफाई नरेंद्र गुप्ता कुछ नहीं। एगो गाड़ी आता था वो कूड़ा के लिए, उसको वो भी नहीं आने लग गया, वो भी बंद है। सब अपने पलोथिन में भर भर के कूड़ा रखते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो हर एक आप देख ही रहे, पानी जाम है रहा। उसके बाद ये गटर भी ऐसे पूरे लेटिंग बहते हैं, जब पूरे और भर जाते हैं। अच्छा। दूसरा पानी की परेशानी, एक ये बना के छोड़ दिए वो सारे मुन के चले गए। तो सीवर का पानी सड़कों पे भरा रहता है, साफ पानी की सप्लाई आती है? नहीं, सप्लाई तो आते हैं पानी, जब लाइट रहता है तो पानी आते हैं। साफ आता है पानी? अभी तो इधर गंदा आ रहा, मिट्टी आ रहा है। अभी मिट्टी आ रहा है, ट्यूबवेल ठीक किया ना इधर तो एक महीना तक तो बिल्कुल पानी आया ही नहीं। बंदा यहाँ से पानी भर भर के जाता है, यहाँ से पानी भर बहुत दूर दूर के बंदा यहाँ से पानी भर भर के जाता है। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। फिर चुनाव आ गए हैं, फिर से विधानसभा का चुनाव है, आपको विधायक चुनना है ना? चुनाव तो आ गया है, लेकिन यहाँ तो है कि जिधर रोटी फेंकता है उधर कुत्ता दौड़ जाता है। यहाँ तो कहानी यहाँ यही है, और तो दूसरा कहानी है ही नहीं। क्या लगता है आपको चुनावों में किसको मौका मिलना चाहिए? मौका तो मिलना चाहिए बीपी गोयल, वो बेचारा काम करवाता है बीपी गोयल को, विपुल गोयल को। लेकिन बीजेपी ने तो टिकट काट दी थी पिछली बार, तो इसीलिए तो हम लोग क्या करें, मजबूरन में करना पड़ता है ना। अभी क्या लगता है टिकट मिलनी चाहिए? अब मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। हाँ, क्या लगता है विधानसभा जाने का मौका किसको देंगे आप लोग? सर जी, जो इस सेक्टर 4 पे काम करेगा उसी का ही मौका बनेगा। सर नरेंद्र गुप्ता विधायक हैं, काम वाम किए क्या? वो तो सर जी यहाँ झुग्गी में पलट के आता ही नहीं है। अगर ये पानी भी भर जाता है ना तो 10 बार उसके ऑफिस जाएंगे तब एक बार काम होता है। काम नहीं होता है, काम इधर नहीं होता सर। झुग्गी वालों को नहीं देख रहे? नहीं जी, सुनेगा नहीं। 10 बार हमारा एक ही नेता था जो कि बिपिन गोयल था, और जब तक था तब तक उस बेचारे ने टंकी भी बनवाया था, और वो रहता अब पानी की भी दिक्कत नहीं होती और सीवर की भी समस्या नहीं हो सकती थी। तो अभी आप चाहते हैं कि ये कम से कम समस्याएं दूर होनी चाहिए? हाँ जी। साफ तौर पे कितना ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी यहाँ पे बात करते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं इस एरिया की हम बात करें तो? एरिया की तो समस्या पूरा है, पानी दाने की दिक्कत पूरा होता है। तो सरकार के कामकाज पहुँचे आप लोग तक कि नहीं? कहाँ, कुछ नहीं पहुँचा है। नहीं पहुँचा? अपना अपना नेता अपना अपना व्यस्त रहता है। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से करते हैं बात। कहाँ रहते हैं आप? हम ई गली में रहते हैं। उस गली में रहती हैं तो यहीं की हो गई ना? हाँ, यही का है, वो गली में रहते हैं। कितनी परेशानियां हैं इस स्लम में रहने आए हैं ये लोग का इतना पता नहीं है। हम लोग का यहाँ 45 साल हो गया रहते। ये दादी 45 साल हो गया, 45 साल हो गया रहते। ये सब तो नए आए हैं, ये लोग को तो हम भी नहीं पहचानते हैं। ये लोग बोल नहीं पाएंगे, जो पुराने बंदे हैं ना वही बोले। ठीक है, तो परेशानियां चुनौतियां तो हैं, कितनी ज़्यादा हैं वो तस्वीरें लगातार बयां कर रही हैं। आगे भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या कुछ इश्यूज हैं। लोकल हैं यहाँ के, क्या लगता है इस बार चुनाव सर पे है विधानसभा का, है ना? नेता वोट मांगने भी आएंगे, यहाँ के लोगों का वोट जाएगा किसको? विपुल गोयल को जाएगा। क्यों?
उन्होंने जी काम करवाया, टहले बिछवाई पानी, अब जब से किशन पाल क्या नाम इनका नरेंद्र गुप्ता जी आए पानी की समस्या भी काफ़ी है। यहाँ पहुँचे नरेंद्र गुप्ता कभी? बस आते खाली वोट मांगने आए, उसके बाद नहीं आए थे। वोट मांगने ही आए थे, उसके बाद आए नहीं, 5 साल हो गए। तो अभी फिर से जब आएंगे तो क्या कहेंगे आप उन्हें? हम क्या कहेंगे, हम तो बस पूछेंगे कि 5 साल कहाँ थे नेताजी, काम वाम तो करवाए नहीं। जब से पूछेंगे कहाँ से, क्या वोट मांगने तो आएंगे ना अगर पार्टी टिकट देगी तो? बस वोट लेने आते, फिर उसके बाद कोई नहीं आता है। बिपिन गोयल तो जी आए थे भी काफ़ी बार, इन्होंने काम भी करा, लाइटें लगवाई हैं उन्होंने, मंदिर के वहाँ टेल वेल बिछवाई है, यहाँ भी बिछवाई है, मंदिर का भी पैसे दिए हैं, उनको काम करवाए थे मंदिरों में भी, उसके अलावा उन्होंने भी अच्छा काम भी करवाया। हम तो चाहते हैं उनकी सरकार दोबारा आ जाए, वो दोबारा आ जाए। उनकी सरकार बीजेपी में है ना, बीजेपी की सरकार तो है ही, है ही, मगर वो बन जाए ना नेताजी। अच्छा, उनको चाहते हैं कि वो बन जाए, बस इनकी हट जाए। नरेंद्र गुप्ता से क्यों परेशानी है, क्या परेशानी है? एक तो मैम वो किसी काम के लिए मैम आते नहीं यहाँ पे, जो हमें चीज हंजी नहीं आते, बड़े लोगों के नहीं मिलते, नहीं मिलते कभी। मैंने सुना है कि नरेंद्र गुप्ता के घर में जब कोई मिलने जाता है तो चप्पल उतार के जाना पड़ता है, ऐसा है क्या? ऐसा है? मैं हम तो गए नहीं है जी, मिलने आए नहीं, बंदे बैठे रहते, मिलने नहीं आते हैं। तो वो तो इतना आलीशान ऑफिस बना रखा है, फुली एसी ऑफिस है, तो क्या परेशानी है उस ऑफिस में? ऑफिस में बात ही नहीं, तो परेशानी क्या, कोई मिलने जाता है, कोई अपने यहाँ के वो समस्या बताने जाता है, वो आते ही नहीं मिलने के। कह रहे इतना अच्छा मैंने ऑफिस बनाया, लोगों के काम यहाँ पे बैठ के करते हैं हम, आपके हुए कुछ काम वाम? नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो एक बार आए भी नहीं। देखिए लोग कह रहे हैं यहाँ पे तो एक बार आए भी नहीं है नरेंद्र गुप्ता, और विधायक से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लोगों को, तो क्या लगता है कांग्रेस को मौका देंगे इस बार? मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, कांग्रेस की तरफ है, तो कांग्रेस से उम्मीद है कुछ होगा? पूरा उम्मीद है उसी पर जी। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए या विधायक कांग्रेस का बनना चाहिए या क्या होना? सरकार आनी चाहिए, सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? हमारी सरकार तो बीजेपी की ही आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए, और प्लस जो है विधायक में हमारा जो हो ना निर्दलीय हो या पार्टी से हो, हमारा विपुल गोयल होना चाहिए। अच्छा, निर्दलीय आप कह रहे हैं, विपुल गोयल निर्दलीय हो या पार्टी दे दे उनको टिकट, अच्छा 100% उनको निकल जाएगा। तो अगर पार्टी नहीं देती टिकट तो आप चाह रहे हैं कि निर्दलीय लड़ लें? हाँ, तो आप लोग पूरा, साथ दे देंगे? हाँ, पूरा पूरा साथ दे देंगे बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी का भी सुनने में आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि बढ़िया माहौल चल रहा है, सरकार बनाने का दावा कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, लगता है कोई दम है? हमारे में ऐसा है कि कांग्रेस आई में कोई दम नहीं है, वो तो बहुत दिन से कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं, हमारा बिपिन गोयल जी जब अगर आ जाएंगे ना मैं बहुत खुश हूँ, वोट देने के लिए, हर चीज से साथ देने के लिए हम लोग बहुत साथ हैं। कांग्रेस में विधायक जो थे महेंद्र प्रताप जी, वो ठीक थे हमारे लिए, जैसे अभी बिपिन गोयल जी के नाम ले रहे हैं, चाहे उनको टिकट दे दे तो भी लड़ ले पार्टी से या ना दे, निर्दलीय लड़े हम लोग जिताएंगे। महेंद्र प्रताप भी बढ़िया थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज उन्हीं के दिया हुआ जो हम बसे हुए हैं, यही बात तुम कहेंगे ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर नेता की बात करें या नेताओं में हमारी पसंद की बात करें तो बीजेपी में वो विपुल गोयल हैं, और कांग्रेस की बात करें तो वो महेंद्र प्रताप हैं, उन्होंने बढ़िया काम किए। और इस बार चुनावों की अगर बात करें तो ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में दम नहीं है, और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, और कह रहे हैं कि हमें जो नेता पसंद है उसकी सरकार बन जाए तो मज़ा आ जाए। अब ग्राउंड पे कितनी समस्याएं हमने अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाई, तमाम नेताओं के दावे बातें वो भी दिखाने की कोशिश की, और उसको देख के उसको सुन के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चुनाव जो है कितना दिलचस्प हो सकता है, कितना दिलचस्प होने वाला है, और कितना चुनौती भरा रहने वाला है। सबसे बड़ी चुनौती इस बात की कि टिकट किसको मिलती है, टिकट मिलने के बाद एक और चुनौती होती है कि जिसको जो भी पार्टी टिकट नहीं देती, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसके बाद निर्दलीय कौन कौन ताल ठोकता है, और उसके बाद की चुनौती कि वोटर्स आपके साथ आते हैं या नहीं, वोटर्स आपको समर्थन देते हैं या फिर नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब टिटोलने की हमने कोशिश तो की है, लेकिन इसका फाइनल फैसला आपको करना है, और वो फैसला आपका अक्टूबर में आएगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे। तो फरीदाबाद से आप किसको जिताएंगे, फरीदाबाद से आप किसको बनाएंगे और विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजेंगे। हम लगातार अलग अलग हलकों में जाकर ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस पूरे चुनाव को लेकर जो हलचल चल रही है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लगातार दिखा रहे हैं, ताकि आप फैसला कर सकें कि आपको किस नेता को चुनना है, आपको कौन सी सरकार बनानी है और कौन वाकई आपकी परेशानियों को हल कर पाएगा। फरीदाबाद में जो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने
मैंने आज आपको दिखाई, इसे देखकर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ के लोगों की परेशानियाँ क्या हैं। स्मार्ट सिटी भले ही कहा जाए, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के साथ यहाँ पर कितना बड़ा धोखा हुआ और लोग कितने ज़्यादा परेशानी में आज भी जीने को मजबूर हैं। ना साफ़ पानी मिल रहा है, ना साफ़ सफाई है, सड़कें टूटी हैं, काम हालांकि अब चल रहा है लेकिन वो कितनी स्पीड से है वो आप सबसे छुपा नहीं है। बहरहाल हमारे साथ फरीदाबाद से आज इस चुनाव यात्रा के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा, जल्दी ही पहुँचेंगे आपके हल्के में और दिखाएंगे वहाँ से भी ग्राउंड रिपोर्ट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।